मंच पर आसीन आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के केवल यशस्वी नहीं लेकिन एक संकल्पित विकास के प्रति, प्रगति के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हृदय में नहीं, केवल बूथ के एक एक कार्यकर्ता के हृदय में नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता के हृदय में मेरे बीडी शर्मा जी। मंच पर आसीन मेरे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जीवन पत्रकारिता के साथ साथ, कलम के साथ साथ, जो जनसेवा का पथ अपनाया है, प्रदेश की सेवा का पथ अपनाया है, आदरणीय प्रभात झा जी, आज के इस कार्यक्रम में हमसे दूर हैं क्योंकि एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरे देश के लिए, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पूरे देश के किसानों के लिए एक ज्वालामुखी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा बुलंद करते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन जिन्होंने जिंदगी में सदैव सत्य का रास्ता अपनाया है, आवाज बुलंद है, शैली बुलंद है, लेकिन जिन्होंने जनता के दिल में सदैव स्थान पाया है, केंद्र सरकार के मेरे मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, इस वर्चुअल रैली के तहत आज सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, मेरे परम आदरणीय भगत जी, हमारे सभी कार्यकर्तागण जो इस सभागार में उपस्थित हैं और वर्चुअल रैली के तहत मध्य प्रदेश के कोने कोने में, चाहे भिंड की सीमा से निमाड़ की सीमा तक, चाहे मंदसौर नीमच से, जैसे बीडी शर्मा जी ने कहा कि रीवा के तट तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नहीं लेकिन हजारों सैकड़ों मध्य प्रदेश की जनता इस वर्चुअल रैली के साथ भी जुड़ी हुई है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस वर्चुअल रैली के तहत आप
आप सबों के बीच में एक मौका मुझे मिला है धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस देश के शीर्ष नेतृत्व को, प्रधान जनसेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री हमारे यशस्वी अमित शाह जी को और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इस संकट के कहर में, इस महामारी के समय में भारत के झंडा और मध्य प्रदेश के झंडा को किस तरीके से विश्व पटल पर गाड़ के रखा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी भारत में नहीं लेकिन विश्व में किस महामारी, इस प्रकोप का क्या एक स्थिति पूरे विश्व में उत्पन्न होगी। शुरुआत चीन से हुई, अमेरिका और यूरोप में गई और मैं साधुवाद धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनमें केवल दूरदर्शिता नहीं, केवल दूरदर्शिता नहीं, उनमें केवल संकल्पता नहीं, लेकिन दूरदर्शिता के साथ, संकल्पता के साथ मनुष्य में सही निर्णय लेने का साहस भी होना चाहिए। विश्व के कई देश कपकपा रहे थे कि इसका सामना कैसा किया जाए। केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को पूरे देश को उद्बोधन में यह संकेत दिया, यह निवेदन किया कि हमें लॉकडाउन करना ही होगा। और देखिए आप कमाल, एक तरफ वो दल जिसने आपातकाल इस देश में कायम किया था सत्ता को कायम रखने के लिए, और दूसरे तरफ वो दल के नेता जिसने जान को बचाने के लिए हाथ जोड़ करके देश की जनता को निवेदन किया और 150 करोड़ जनता ने उसके निवेदन का पालन किया। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, और कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आपने पार्टी बदली, और इसलिए आज आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हुए हैं साइड साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। कई लोग आलोचना करेंगे कि आपने आपातकाल की बात आज मंच से की, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी सदैव सत्य का साथ दिया है और आपातकाल का विरोध किया है। वो सही है, वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। अंत में मनुष्य को अपने आप के साथ जीना है, और अपने आप को शीशे में देखोगे और झूठा पाओगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि उन्हें लॉकडाउन इस देश में रखा। और कई लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ,
अरे उन लोगों को मैं उत्तर देना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक ने देश में लॉकडाउन का आह्वान नहीं किया होता तो इस देश में भी दूसरे देशों की मौतों की कतार लग जाती थी। वो प्रधान सेवक केवल नहीं है इस देश के, आज उन्होंने हजारों लाखों जानों को बचाई है लॉकडाउन आरंभ करके। लॉकडाउन उन्होंने आरंभ किया और कहा उन्होंने कि जान है तो जहां है, जान है तो जहां है। और जब लॉकडाउन की सकारात्मक प्रयोग पूरे देश ने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें जान है तो जहां से आगे बढ़कर जान भी और जहां भी की तरफ हमें अग्रसर होना होगा। दूर दृष्टिकोण हमारे देश के प्रधानमंत्री का देखो आप। और केवल कहावत नहीं लेकिन इस कहावत के पीछे अहम कदम। उस समय में जब भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ था, एक पीपीई किट नहीं बनती थी, एक कोरोना का अस्पताल नहीं था। और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सावधानी बरत के रखिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि मास्क पहनिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिएगा, हाथ धोइएगा। और आज जो भूपेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा हूं इस मंच से, केवल एक व्यक्ति है इस पूरे सभागार में जिसमें इन्होंने हाथ में जुराब भी पहनकर आज आए हैं इस सभा में। सावधानी बरतना केवल अपने आप के लिए नहीं, लेकिन सावधानी अपने परिवार के लिए, सावधानी अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें बरतना ही होगा। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मैं भुगता हूं। 30 दिन लगे हैं मुझे और ये एक ऐसी बीमारी है जो मैं अपने कभी दुश्मन को भी न हो ये कामना करता हूं। तो सावधानी बरतो, अगर अभी तक बचे रहे हो तो अगले 2-3 महीने भी बचे रहना क्योंकि अभी यह बीमारी समाप्त नहीं हुई है। तो जिस देश में एक पीपीई किट नहीं था, जिस देश में एक कोरोना का अस्पताल नहीं था, जिस देश में वेंटिलेटर्स का अभाव था, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उसी देश में 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 कोरोना के प्रति समर्पित अस्पताल स्थापित हो गए हैं। अमित शाह जी ने दिल्ली में 10,000 बिस्तर का, छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का अस्पताल का समीक्षा अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किया। कोरोना के समय में कोई पार्टी दल बदल राजनीति नहीं होती, सारे दल एक मंच पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आश्वासन और आस्था रखते हुए, चाहे चीन की बात हो चाहे कोरोना की बात हो, क्योंकि ये दलों का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, आपका और हमारा जीवन मरण का मुद्दा है। तो उन मुद्दों में देश को एक साथ होना होगा। जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुई थी तो मेरे साथ लड़ाई हुई थी तो मेरे परिवार के सदस्य आदरणीय वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भी प्रशंसा की थी। दलगत राजनीति से कई मुद्दों पर ऊपर उठकर हमें काम करना होता है। पहले देश और सदैव हमारा भारत, हमारी भारत माता को हमें सामने रखकर अपने जीवन का ज्ञापन करना होगा मेरे भाई और बहनों। इसे अखंड रखने का सौगंध आपको हमें सदैव लेना होगा। चाहे चीन के साथ मुकाबला की बात हो, कोशिश उन्होंने की पर मोदी जी की जो एक संवेदनशीलता और साहस, एक ही सिक्के के जो दो पहलू हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के,
वो चीन के राजनीतिज्ञ भी पहचान नहीं पाते हैं, और चीन को ठोस जवाब हमारे जवानों ने और हमारे प्रधानमंत्री ने देके कहा है। और आज भी इस दिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है? हेलो, नौजवानों, हेलो, और हमारे आर्मी के लोगों के उत्साहवर्धन के लिए ले तक पहुंच चुके हैं कि मैं आपका प्रधान सेवा का आपके साथ खड़ा हूं। हेलो, ये होता है नेतृत्व की क्षमता। तो उस कोरोना के वातावरण में जहां इस देश में पीपीई किट नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, वो 2 महीने का समय के आधार पर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके। यह महामारी की बात, लेकिन महामारी में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। 20 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन खाते में 31,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। 39 करोड़ गरीबों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। और उसी के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, एक एक परिवार 9 करोड़ परिवार कि हमारे लोगों को उनके खाते में भी 2,000 रुपया हर परिवार के खाते में पहुंचाया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वित्तीय भार था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिखाया कि जब देश की जनता के ऊपर संकट तो खोलो खजाना, क्योंकि इस खजाने पर अगर हक किसी का है तो देश की जनता का हक बनता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं। प्रवासी मजदूरों के लिए कई कदम उठाए गए, फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई सहायता के लिए, 50,00,000 फेरी वालों के लिए। आत्मनिर्भर भारत का संदेश उन्होंने बताया, जो अभी बीडी शर्मा जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल मतलब क्षेत्र की आवाज आत्मनिर्भरता के आधार पर मजबूत होनी चाहिए, और क्षेत्र की आवाज आत्मनिर्भरता के आधार पर मजबूत होगी तो भारत की आवाज विश्व पटल पर उजागर होगी। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। और दूसरी तरफ हमारे प्रमुख विरोधी दल क्या कहते हैं, लॉकडाउन क्यों कायम किया, लॉकडाउन इतना लंबा क्यों चला, लॉकडाउन में क्या लाभ मिला, राष्ट्रीय संकट के समय में भी तू मैं करने की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय संकट करने के समय में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की जरूरत है। और उसी समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को प्रभार दिया गया, मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली, सेनापति भी शिवराज सिंह जी, सेना भी शिवराज सिंह जी, कार्यकर्ता भी शिवराज सिंह जी। सड़क से वल्लभ भवन तक शिवराज सिंह जी। 20-20 घंटे करने काम करने वाला इस प्रदेश का जनसेवक को मैं आज नमन करता हूं। और आप समझिए, एक तरफ अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे एक ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जिनको केवल कुर्सी की चिंता थी,
कुर्सी का मोह था, और दूसरे तरफ उस संकट के समय में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो अपने कुर्सी की चिंता नहीं लेकिन अपने 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहा था। अकेला योद्धा, मंत्रिमंडल नहीं, अकेला व्यक्ति शासन को, प्रशासन को, जनता को संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ केवल भाजपा का झंडा नहीं लेकिन मध्य प्रदेश का झंडा लेकर घूम रहा था। ऐसे बिरला व्यक्ति मिलते हैं जो त्याग, तपस्या और मेहनत के प्रतीक होते हैं। मैं सोचता था जब मैं उधर था कि पसीने का सामना, मेहनत का सामना, दौरा करने की क्षमता मुझ में है, लेकिन शिवराज सिंह जी को देखकर तो मैं कल रात को हम दोनों 1:45 बजे हमारी बैठक समाप्त हुई रात को, और मैं आपको आश्वासन से कह सकता हूं कि अगर मैं इनसे निवेदन करता कि 3 घंटे और बैठक चलनी है, अपने आस्तीन ऊपर कहते चलो तैयार हूं मैं। अकेले योद्धा ने इस प्रकोप का सामना किया और बेखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारी। जिस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज बहुत बात करते हैं ना कि सरकार पलटी, अरे भाई जब आपकी सरकार थी कोरोना के सामना करने के लिए आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं उनसे विनम्र पूर्वक, क्या आपने एक बैठक ली कोरोना की? क्या आपने एक अस्पताल का दौरा किया? क्या आप एक गरीब के घर में गए? आपकी तो व्यस्तता थी 10 मार्च से, जब मेरे पूज्य पिताजी के जन्मदिन पर, 75 वर्ष के जन्मदिन पर मैंने वो निर्णय लिया। आपकी तो व्यस्तता थी कि कागज लेकर लोगों को तोहफा देने की, अपॉइंटमेंट ऑर्डर पास करने की, सही है कि नहीं शिवराज सिंह जी? बताइए आप कितने लोगों की नियुक्ति हुई हो ना आखिरी 14 दिन में? वो तो उसी में व्यस्त, और अगर लोगों की नियुक्ति में व्यस्त नहीं, हां मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं कभी गलत बात नहीं करता, मैं गलत बात करूं तो प्रभात जी मुझे टोक देंगे तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। एक दौरा उन्होंने जरूर किया था, उस कोरोना के संक्रमण के समय में एक दौरा जरूर किया था, इंदौर गए थे आईफा अवार्ड के कार्यक्रम, सही है कि नहीं प्रभात जी बताइए? और इंदौर में भी मंच पर जनसेवक नहीं बैठे थे, नाए माए दोनों अभिनेताओं के साथ में कोरोना के वातावरण में आईफा अवार्ड के आनंद ले रहे थे, और जब लोग जाते थे पूछने के लिए कि राशि दिलवाइए कोरोना के लिए, तब कहा जाता था कि पैसा नहीं, लेकिन आईफा अवार्ड के लिए 200 करोड़ 700 करोड़ की राशि आ गई। ये इनकी दरिया दिली है, ये इनकी संवेदनशीलता थी। शिवराज सिंह जी ने कमान संभाला, जिस प्रदेश में एक मीटिंग कोरोना की नहीं रखी गई थी, उस प्रदेश में जहां एक टेस्ट नहीं होता था कोरोना का, अभी सुनाएंगे ये
जिस प्रदेश में एक किट नहीं था टेस्ट करने के लिए, उस प्रदेश में शून्य से आज 7,000 प्रतिदिन टेस्ट होते हैं। जिस प्रदेश में एक मास्क नहीं मिलता था, उस प्रदेश में बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी द्वारा 70,00,000 मास्कों का वितरण किया गया है निशुल्क। जिस प्रदेश में इंदौर हॉटस्पॉट बन गया था संक्रमण का, आज उसी प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कोरोना का पूरे देश में सबसे कम हो चुका है, 0.05%। जिस प्रदेश में कोरोना का विकास दर घोड़े के रफ्तार तेजी से दौड़ रहा था, एक समय आया था जब मध्य प्रदेश का विकास दर कोरोना में पहले 15 दिवस इनके कार्यकाल में पूरे राष्ट्र में सबसे तेजी रफ्तार से चल रहा था। इन 100 दिनों में शिवराज सिंह जी की कप्तानी में वो कोरोना का विकास दर जहां मध्य प्रदेश में 1.4% हो गया है, राष्ट्र की औसत आज 4.5% पर है। काबू पाने की क्षमता, कंट्रोल करने की क्षमता अगर किसी जनसेवक में मैंने देखा है तो शिवराज सिंह जी में मैंने देखा है। गालियों की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। समय का अभाव है, कई कदम उठाए गए हैं शिवराज सिंह जी के द्वारा, वो विस्तृत तरीके से हमको सबको समझाएंगे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, जहां मेरे निवेदन पे कमल पटेल जी ने और शिवराज सिंह जी ने समय की अवधि बढ़ा दी, गेहूं और चना खरीदने के लिए जिसके आधार पर एक एक किसान के खाते में 10,000 रुपए से 5,00,000 रुपया ज्यादा उसके खाते में मिल पाया, किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी। जहां एक एक गरीब के खाते में पैसा पहुंचाया गया, 14,00,000 हमारे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए 15,000 बसों को इन्होंने चलवाया ताकि ये घर वापस सुरक्षित पहुंच पाए। मनरेगा में 25,00,000 लोगों को रोजगार दिया गया, एक एक कदम 15,00,000 किसानों के खाते में, फसल बीमा का 3,000 करोड़ जो पूर्व सरकार ने अपने आप पेट में डाल दिया था, शिवराज सिंह जी ने एक एक किसान के खाते में पहुंचाया। तो आज शिवराज सिंह जी के बारे में एक ही बात में कहना चाहता हूं और अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं कि 100 दिन का आपका कार्यकाल सूर्य की रोशनी की तरह मध्य प्रदेश में छाया है और मुझे विश्वास है कि एक एक भाजपा के कार्यकर्ता के साथ नहीं केवल, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ, जिस जनता का विश्वास आप में है, हम सब आपके सानिध्य में और आपके दिशा निर्देश में कार्य करके मध्य प्रदेश के झंडे को बुलंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी लाइन शिवराज सिंह जी को मैं पेश करता हूं। 100 दिन का कार्यकाल इनका रहा, जिसमें से 70 दिन इन्होंने अकेले युद्ध किए हैं, 30 दिन इनको 5 मंत्री मिले और कल इनको पूरी सेनापति साथ में मिले हैं, लेकिन ये लाइन केवल आपके लिए है शिवराज सिंह जी। न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत कभी हारी है, न हिम्मत कभी हारी है, जज्बा है जनसेवा के मन में, ये सफर निरंतर जारी है। धन्यवाद।